हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 11th का बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, ये स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो जो बायोलॉजी है वो एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। तो ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी लाइफ, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। तो कहा जा सकता है कि जो बायोलॉजी है वो है साइंस ऑफ लाइफ। तो ये जो बायोलॉजी की बात हो गई, अगर अब हम बात करें कि ये जो बायोलॉजी है, कोई एक ऐसा साइंटिस्ट होगा जिन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा खोज की होगी, तो किसे कहा जाएगा फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अगर हम बोलें तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उसके साथ ही इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, जूलॉजी जिसमें कि एनिमल्स के बारे में स्टडी की जाती है। अब अगर बात करें कि बायोलॉजी का एक पार्ट हो गया जूलॉजी, तो बॉटनी भी एक बायोलॉजी का पार्ट है, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी हो जाएंगे आपके थियोफ्रेस्टस। तो जो थियोफ्रेस्टस है वो फादर ऑफ बॉटनी है, और एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, इसके साथ ही फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन देख लिया हमने बायोलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, जो कि कई बार एग्जाम में आता है। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये क्लास 11 उसके साथ साथ ही जो नीट देने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मेरे जो नोट्स हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अब हम देखते हैं जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि व्हाट इज़ लिविंग। कोई भी चीज़ लिविंग है ये कैसे हम पता करेंगे, कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है? ऐसी क्या चीज़ हम उनके अंदर देखते हैं जो हम बोल देते हैं कि हाँ ये चीज़ लिविंग है? तो कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स के हिसाब से या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ कोई भी चीज़ नॉन लिविंग है। चलिए हम जो मेन फीचर्स हैं लिविंग के वो हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेन फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, वो हैं, पहला है आपका ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ वन है यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिफ्थ वन है कॉन्शियसनेस। ये जो पाँचों फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम बताएंगे कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लाइफ की नहीं है उसके, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्शियसनेस, ये सारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं लाइफ के। अब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लाइफ का क्यों नहीं है? क्योंकि हम बोल सकते हैं जो ग्रोथ है वो कई बार नॉन लिविंग चीज़ों में भी देखने को मिलता है, और रिप्रोडक्शन के बिना भी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ चल सकती है। इन चीज़ों को हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ की, लेकिन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये जो तीनों फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ का। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं जो फीचर्स हैं उनके बारे में डिटेल्स में। तो सबसे पहला फीचर जो था है वो है आपका ग्रोथ। तो चलिए ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ क्या, कैसे समझ पाएंगे कि किसी चीज़ का ग्रोथ हो रहा है? तो ओवरऑल अगर इंक्रीज़ हो रहा है मास में, या फिर साइज, टिश्यू का साइज़ या किसी ऑर्गेनिज्म का साइज़, या उसके किसी पार्ट्स का अगर इंक्रीज़ हो रहा है उसका साइज़, तो हम उसे बोलेंगे कि ग्रोथ है, इसी चीज़ को ग्रोथ बोला जाएगा। तो ओवरऑल इंक्रीज इन मास और साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड ग्रोथ। तो इस तरीके से ग्रोथ हो गया ये। अब हम देखते हैं कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो क्या है? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। अगर मास में इंक्रीज में हो रहा है या फिर अगर नंबर में कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो यही दोनों मेन ट्विन कैरेक्टर्स हैं ग्रोथ के। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज
ऑफ द ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। तो जो ग्रोथ है वो क्या है, इरिवर्सिबल। अगर एक बार किसी चीज़ का ग्रोथ हो गया तो वो इरिवर्सिबल है, वापस से वो छोटा नहीं हो सकता, उसकी ग्रोथ जो हुई है वही रहेगी। और परमानेंट है, परमानेंट बोलने का मतलब हो गया अगर ग्रोथ तो उतना ही वो फिक्स है, वो कम नहीं हो सकता। तो ग्रोथ इज़ एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन, किसी ऑर्गन के साइज में हो सकता है या किसी पार्ट का ग्रोथ हो सकता है या इवन किसी सेल का ग्रोथ हो सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है किसी भी ऑर्गन के साइज का या उसके पार्ट का या इंडिविजुअल सेल का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे काफ़ी बार कई बार घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ के दो टाइप्स क्या क्या हैं। तो ग्रोथ के दो टाइप्स, सबसे पहला ये है कि इंट्रेंसिक ग्रोथ है और दूसरा है एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। तो इंट्रेंसिक ग्रोथ में क्या होता है कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है उसे कहेंगे इंट्रेंसिक ग्रोथ। तो नाम से ही आपको याद हो जाना चाहिए इंट्रेंसिक ग्रोथ, मतलब अगर बॉडी के इनसाइड में कुछ ग्रोथ हो रहा है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तो उसे कहेंगे, एंड दिस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। और ये जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ का। अभी हम देखेंगे ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जो वो हमने पिछले अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले कि ग्रोथ क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब हमने यहाँ पर टाइप देखा इंट्रेंसिक ग्रोथ, ये तो हो गया डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है, इनसाइड बॉडी ग्रोथ हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जो एक्सट्रेंसिक ग्रोथ है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ में क्या हो रहा है कि ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस। इसमें क्या होगा कि जो ग्रोथ है ना वो बॉडी के आउटसाइड होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी चीज़ का। हम बोल सकते हैं कि जैसे किसी बॉडी के सरफेस पे अगर बहुत टाइम से कुछ मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन होते जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, तो वहाँ पे भी उसका जो साइज़ है, जो मास है, वो हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, तो उसको ग्रोथ ही बोला जाएगा। और नॉन लिविंग एग्जिबिट्स दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, जो नॉन लिविंग है उनमें इस टाइप का ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे कि माउंटेन्स का बोल सकते हैं, बहुत टाइम से माउंटेन्स पे अगर कुछ चीज़ें इकट्ठा होती जा रही हैं तो वो माउंटेन हमें कुछ टाइम के बाद और थोड़ा बढ़ा हुआ दिख सकता है। तो उसमें क्या हुआ कि बॉडी के आउटसाइड में जो चीज़ें एक्यूमुलेट होती, वहाँ पे चीज़ों का एक्यूमुलेशन होते गया मटेरियल्स का, उसकी वजह से बॉडी का सरफेस का ग्रोथ हुआ। तो ये जो एक्सट्रेंसिक ग्रोथ है वो नॉन लिविंग चीज़ों में ही देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ जो हो गया नॉन लिविंग में भी हो रहा है, तो इस वजह से ग्रोथ को क्या बोला जा रहा है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ का। तो उम्मीद है आपको अभी समझ में आ गया होगा कि इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे थे हम। अब अगर बात करें इंट्रेंसिक ग्रोथ की, तो इंट्रेंसिक ग्रोथ के भी दो टाइप्स हैं और वो हम देखते हैं क्या क्या टाइप्स है। पहला है आपका इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ, और दूसरा है डिटर्मिनेट ग्रोथ या लिमिटेड ग्रोथ। तो सबसे पहले हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ के बारे में देखते हैं। तो ग्रोथ विच ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, जो ग्रोथ मतलब पूरी लाइफ चलते जाती है, पूरी लाइफ उस चीज़ का ग्रोथ होते ही रहता है, उसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ। और ये किस में होगा, अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो ये होता है आपका प्लांट्स में, प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। दूसरा अगर हम बात करें डिटर्मिनेट ग्रोथ या लिमिटेड ग्रोथ की, तो ये वैसा ग्रोथ है जिसमें क्या हुआ कि कुछ सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होगा, उसके बाद वो जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। तो ग्रोथ विच ऑकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज, कुछ एज तक ग्रोथ होगा उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगा। और ये होता है एनिमल्स में, हम अपने आप को भी देख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी होता है ये। तो जितने भी एनिमल्स में हैं, एनिमल्स कैटेगरी में जो भी हैं, उनमें ये ग्रोथ देखने को मिलता है डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ। तो यहाँ पे हमने देख लिया ग्रोथ के बारे में, जो कि सबसे पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक था लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हम देखेंगे जो दूसरा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन।
न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना या प्रोजेनी का प्रोडक्शन होना, इसे ही कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है प्रोजेनी का, कम या ज़्यादा वो अपने पेरेंट्स से लगभग लगभग सिमिलर होता है, या ज़्यादा सिमिलर होगा या थोड़ा सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर फीचर्स उसमें रहते हैं। तो अगर अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या यूनिसेलुलर एल्गी हो गया या एमीबा हो गया, तो इसमें क्या होता है कि इस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इसमें जो इनके सेल्स होते हैं उनके नंबर्स ही इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लगभग सेम है, क्योंकि हमने ग्रोथ में भी देखा कि इंक्रीज इन नंबर्स या उसका साइज़, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इनके सेल्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और उसी को रिप्रोडक्शन भी कहा जा रहा है। तो इनमें जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो एक दूसरे से सिमिलर है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या अगर रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होगा तो क्या मतलब वो अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्या वो लिविंग नहीं रहेंगे अगर उनका वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं उसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सबसे पहली बात तो रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में देखने को नहीं मिलता है, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि मूल्स हो गए, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हो गए जो कि अपने बेबी को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वर्कर बीज हो गए, क्योंकि बीज में जो क्वीन बी होती है वही रिप्रोड्यूस करती है, वर्कर बीज तो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें क्या हैं, लिविंग हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि विदाउट रिप्रोड्यूस किए भी बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वो लिविंग ही हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन क्या है और यूनिसेलुलर में किस तरीके से हम उसे समझ लिए, और मल्टीसेलुलर में भी हमने देखा। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि क्लास 10 में भी बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ चुके होंगे। तो चलिए हम सबसे पहला टाइप से अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहला टाइप है यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई गैमेटिक फ्यूज़न नहीं होता है, कोई मेयोसिस का प्रोसेस नहीं होता है, तो यही जो टाइप है इसे ही कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन विच फर्टिलाइजेशन और गैमेट फ्यूज़न और मेयोसिस इज नॉट इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनमें कोई गैमेट्स बनते नहीं है तो गैमेट का फ्यूज़न भी नहीं होगा और फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई टाइप्स के हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला है बाई असेक्सुअल स्पोर्स। तो यहाँ पे स्पोर्स की मदद से बहुत सारे चीज़ें रिप्रोड्यूस करती हैं, तो जैसे कि हो गया एल्गी या फंगी, ये चीज़ें स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है आपका बर्डिंग। अगर बर्डिंग की बात करें तो बर्डिंग के थ्रू ईस्ट, हाइड्रा, ये दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो फिलामेंटस एल्गी है और कुछ फंगी है या फिर प्रोटेनेमा ऑफ मॉस प्लांट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करती हैं, और ये सारे जो टाइप्स हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रू रीजेनरेशन। तो अगर बात करें ट्रू रीजेनरेशन की, तो यहाँ पे हमने ट्रू क्यों लिखा है, ट्रू रीजेनरेशन क्यों लिखा है, सिर्फ रीजेनरेशन क्यों नहीं लिखा है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। तो फ्रेगमेंट, इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजेनरेट द लॉस्ट पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, रीजेनरेट कर लेता है अपने लॉस्ट पार्ट को, और वो जो उसका पार्ट कट के अलग हुआ है वो भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म।
और इसका एग्जाम्पल होगा प्लेनेरिया। तो यहाँ पे ट्रू रीजनरेशन हुआ है, क्योंकि अगर मान लीजिए प्लेनेरिया का कोई पार्ट कट हो जाता है तो वो पार्ट एक न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा, और साथ ही साथ जो पार्ट कट हुआ है वो वापस से रीजनरेट भी हो जाएगा प्लेनेरिया का। अब अगर हम बात करें, ये हो गया ट्रू रीजनरेशन की, लेकिन अगर बात करते हैं रीजनरेशन, तो रीजनरेशन में क्या होता है कि इज अ प्रोसेस इन विच ओनली लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिपेयर्ड और रीजनरेटेड। इसमें जो बॉडी का पार्ट लॉस्ट हो गया है, जो बॉडी का पार्ट अगर कट गया है, तो वही सिर्फ रिपेयर होगा, वही सिर्फ रीजनरेटेड होगा, बाकी उससे कोई न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्टार फिश हो गया या लिजर्ड्स हो गए, कई बार आपने देखा होगा कि जो लिजर्ड्स होती है उनकी टेल कट हो जाती है, उनकी पूंछ अगर कट जाती है तो वो उनकी टेल से कोई न्यू लिजर्ड फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जो लिजर्ड की टेल कट गया है वो लिजर्ड में वापस से रीजनरेट हो जाता है, वापस से उस लिजर्ड को एक न्यू टेल ग्रो हो जाता है। तो यही अंतर है रीजनरेशन और ट्रू रीजनरेशन में। ट्रू रीजनरेशन में जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है वो भी रीजनरेट हो जाता है, और वो जो पार्ट कटा है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और रीजनरेशन में क्या होगा कि जो बॉडी का पार्ट लॉस्ट हुआ है वही सिर्फ रिपेयर होगा या रीजनरेट होगा। तो ये आप याद रखिएगा। अब अगर हम रिप्रोडक्शन में दूसरे टाइप्स की बात कर ले, तो दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि इसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मेयोसिस का प्रोसेस होता है, और इसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो मेयोसिस के प्रोसेस से हो रहे हैं, और जो गैमेट्स का फ्यूज़न होगा वही फिर प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रोजिनी फॉर्म होता है, इसे ही कहेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दो कैरेक्टर्स, दो फीचर्स को देखा, जो सबसे पहला था ग्रोथ और दूसरा था रिप्रोडक्शन। बाकी के जो फीचर्स हैं वो मैं पार्ट टू में लेके आऊँगी। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक पे जितने भी मैंने चीज़ें समझाई हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी।